फ्रेंड्स, विजन बाय प्रशांत सर वेलकम्स यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 6 एंड द चैप्टर नेम इज नोइंग अवर नंबर्स। अभी तक हमने अपने नंबर्स को जाना कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इस तरह से नंबर्स होते थे। तो इस वीडियो में हम लार्ज नंबर्स सीखेंगे कि लार्ज नंबर क्या होते हैं और उनको कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है। और बहुत ही सिंपल वे में आपको मैट्रिक से बताऊंगा कि किस तरह से इसको लिखना है या पढ़ना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको आगे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा वंस होता है, ठीक है, फिर आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड, फिर आता है थाउजेंड, फिर आता है टेन थाउजेंड, है ना। ये तो पढ़ा होगा सबने। इसके बाद लैक आता है, फिर टेन लैक आता है, फिर करोड़ आता है, एंड देन टेन करोड़ आता है, ठीक है ना। इस तरह से नंबर हमारे जो हैं वो होते हैं। ये शुरू में वंस, टेंस, हंड्रेड जो है एक ग्रुप होता है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड का दूसरा ग्रुप होता है, लैक, टेन लैक का ग्रुप होता है, और करोड़, टेन करोड़ का ग्रुप होता है। और ये लास्ट का जो ग्रुप होता है इसको वंस का ग्रुप बोलते हैं। किसको? वंस का ग्रुप बोलते हैं। जो सेकंड ग्रुप है इसको थाउजेंड का ग्रुप बोलेंगे, एंड देन ये लैक का ग्रुप होगा, ठीक है ना, ये लैक का ग्रुप होगा, और ये करोड़ का ग्रुप होगा। तो वंस के ग्रुप में तीन नंबर्स होते हैं, है ना, उसमें होगा वंस, टेंस और हंड्रेड। फिर थाउजेंड के ग्रुप में दो नंबर होते हैं, कौन कौन से? एक तो होगा थाउजेंड वाला, है ना, और एक होगा टेन थाउजेंड वाला। फिर लैक वाले में भी दो होते हैं नंबर्स, लैक का आएगा एंड देन टेन लैक का आएगा। फिर करोड़ वाले में भी दो होते हैं, करोड़ एंड देन टेन करोड़। तो यहाँ पर ये टेन करोड़ लिखा हुआ है। तो इस टेबल को मैं ध्यान रखना है, फिर ध्यान रखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़ एंड देन टेन करोड़। तो इस तरह से नेमिंग इसकी होती है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और उनके क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इस ग्रुप के हिसाब से उनका नेम देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट कामाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट द नंबर्स नेम्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना है, यानी अभी तक जो हमने ये पढ़ा था ये सारा का सारा इंडियन सिस्टम है, समझ गया ना। इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है, उसके बारे में हम अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कोई एक नंबर पकड़ लेते हैं, एक बड़ा सा ले लेते हैं, चलिए हम बी वाला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें लिखा है 1, 3, 5, 4, 6, 7, 1, 2। तो इस ग्रुप में देखो हम इधर से इधर चलते हैं, तो सबसे पहले तीन नंबर आते हैं वंस के ग्रुप में, है ना। तो थ्री के बाद कॉमा लगाएंगे, 1, 2 एंड 3, यहाँ कॉमा लगा दिया। एंड देन फिर क्या आ रहा है, थाउजेंड में दो ग्रुप है, थाउजेंड के ग्रुप में दो नंबर्स हैं, तो दो के बाद। एंड देन लैक के ग्रुप में भी दो नंबर्स हैं, तो यहाँ भी 1 और 2, यहाँ कॉमा लगा देंगे। फिर एक नंबर बचा उसको छोड़ देंगे। अब देखो ये आ रहा है वंस की जगह पर, ये आ रहा है टेंस की जगह पर, थाउजेंड की जगह पर, और ये वाला ग्रुप है लैक का, और ये है करोड़ का, ठीक है ना। दोबारा देख लो, ये लास्ट वाला वंस का ग्रुप है, दूसरा वाला थाउजेंड का ग्रुप है, तीसरा वाला लैक का है, एंड देन ये करोड़ वाला है। अब इसको लिखना कैसे, तो यहाँ पर इधर से चलेंगे हम, ये पहला लिखा है 1, ये हो गया 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक। इसके बाद लैक में कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, तो 35 लिखेंगे, 35 क्या हो गया, ये लैक हो गया, ठीक है। अभी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको बाद में सही से लिख दूंगा, पहले पढ़ना समझ लो। ये 35 लैक हो गया,
एंड देन ये कितना आ रहा है 46,000, इसको लिखेंगे 46,000 FORDY40, फिर आएगा 6 एंड 1000, ठीक है। उसके बाद क्या है ये नंबर, इसको क्या पढ़ेंगे 712, क्या लिखेंगे 712, ठीक है ना। तो इस तरह से इस नंबर को पढ़ना है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ये देखो 1 करोड़ हो गया, ये 35 लाख हो गया, देखो यहाँ पे 35 लाख हो रहा है, उसके बाद 46 का ये 1000 हो रहा है, एंड देन 712 हमने ये लिख दिया है, समझ गए ना। इस तरह से आपको करना है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर केवल एक ही लूँगा, बताओ कौन सा लूँ। चलो ई वाला कर लेते हैं, कौन सा ई वाला, ये वाला, इसमें कितना लिखा हुआ है 3056000 देन 71। अब वही काम करना है, पहले 3 के बाद कामा, देन 2 के बाद कामा आएगा। अब ये कहाँ पर आया, वंस के प्लेस पर, ये 1000 के प्लेस पर, ये लैक के प्लेस पर, और ये करोड़ के प्लेस पर, यानी कि 30 करोड़ हो जाएगा, 30 करोड़ हो जाएगा, 56 जो है वो लैक हो जाएगा, 1000 के प्लेस कुछ है ही नहीं तो उसको ओमिट कर देंगे, गायब कर देंगे, एंड देन 71 लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे अब हम नंबर्स में, वर्ड्स में लिखते हैं। चलो तो इसको भी हमने लिख लिया, देखो 30 करोड़ हो गया, एंड देन ये 56 लाख के प्लेस पे है, तो 56 हमने यहाँ पर लाख लिख लिया है, 1000 के प्लेस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बाकी 71 है इसको तो 71 लिख देंगे, समझ गए। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है। तो 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, बाकी बचे हुए पार्ट्स आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब हम ए वाला करते हैं, कितना है 17 लाख, तो सबसे पहले आपको 17 लिखना होगा, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, लैख के प्लेस पे आ गया, 1000 के प्लेस पे कितना लिखा है 30,000, तो केवल 30 है, 1000 की जगह पर 30 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 800 है और 96 है, 896 एक नंबर हो जाएगा पूरा, तो 896 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको लिखना है, समझ गए ना, ठीक है। अगला भी एक लिख लेते हैं, चलो हम यहाँ पर 8 करोड़ है, तो इसका हो जाएगा 8 करोड़, फिर है 50 लाख, लाख के प्लेस पर कितना है 50 है ओनली, 67 जो है वो 1000 के प्लेस पे आ रहा है, यानी कि 67,000 हो जाएगा, एंड 109 और लिखा हुआ है, यानी कि 109 हमें और लिख देना है। तो इस तरह से ये बी वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब सी वाला देखो, सी वाले में 70 करोड़ जगह कितना लिखना है 70 लिखना है, ठीक है, फिर 17 है, यानी लैक का प्लेस नहीं है तो लैक के प्लेस पे 2 नंबर होते हैं, 120 लगा लेंगे, 1000 नहीं है तो 20 और बढ़ा लेंगे, उसके बाद 1000 का भी हो गया, फिर वंस के प्लेस पे केवल 17 लिखना है, 17, लेकिन होते 3 नंबर हैं, यहाँ तो 2 नंबर हमने लिखे हैं, तो क्या करना है यहाँ पर 10 और आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिखेंगे 07017। तो इस तरह से हमने सी वाला कर लिया, 3 हमने कर दिए, तो 3 आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं, ए वाला है 756925, यानी 7 लाख के प्लेस पर आ रहा है, 56,926, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 7 आ रहा है लेग के प्लेस पे, 7 और उसके बाद 2 और 3 5, 5 नंबर्स हैं तो 50 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 मिनट, 4 एंड देन 5, और 3 एंड 2 के बाद कॉमा, ठीक है ना। अब अगला लिखते हैं, अब आएगा अगला नंबर 5, है ना।
तो फाइव लिखेंगे, फाइव के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो 4 0 आ जाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4, एक मिनट, 4 0 और कामा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है 6 यहाँ पर, तो प्लस लगा के 6 लिखना है, 6 के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे, 1, 2, 3। उसके बाद कौन सा नंबर है भाई, 9 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, देखो 1 और 2 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 0 जा जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के आगे एक नंबर है तो 20 और उसके बाद 6, समझ गए ना, है ना, बहुत ईजी। तो इसी तरह से हम एक और कर लेते हैं, कोई सा भी आपकी मर्जी कर सकते हो। चलिए हम डी वाला लिखते हैं, डी वाला कर लेते हैं। इसमें दे रखा है 99 लाख और 19,909, ये नंबर है। यहाँ भी वही काम करना है, 99 लाख है तो पहले 90 लाख को लिखेंगे, है ना, 90 लाख लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये तो 90,000 हुआ अभी तक, ये हुआ 90 लाख, ठीक है ना, 90 लाख के प्लेस पे 1000 और ये बंस के प्लेस आ रहा है। 90 लाख के बाद क्या लिखेंगे, 9 लाख, 9 और इसके बाद 2 और 3 5 0 हैं, है ना, 9 लाख लिख लेंगे, ये लिखा 9 लाख, प्लस कितना आएगा, अभी आएगा 19,000 है तो इसका 10,000 पहले आएगा, ये 10,000 एंड देन फिर आएगा ये वाला 9,000 आएगा, है ना, उसके बाद ये 9 आएगा, 100 वाला क्या 900 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 तो हम लिखेंगे नहीं, 0 को हम गायब कर देंगे, फिर लास्ट का नंबर 9 आ जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो बाकी बचे हुए होमवर्क में रहेंगे। अगला करते हैं, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, ये नंबर्स दे रखे हैं, इनको न्यूमरल्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो एक सिंपल तरीका है, आप ऐड करके लिख दो या पढ़ सकते हो एक साथ, तो पढ़ के लिख लो, ठीक है, ऊपर नीचे रख के इसके नीचे ये 70,000 ये जो भी है 70 लाख लिखना है, फिर इसके नीचे ये लिखना है, फिर इसके नीचे ये लिखना है, ऐसे अपॉन में लिख के करके इसको टोटल करके आप लोग कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। और देखो पढ़ के कैसे करना है, 1, 10, 100, 1000, 10 लाख के 10 लाख एंड करोड़, 5 तो करोड़ के प्लेस पे आ रहा है, यहाँ 5 करोड़ है और यहाँ है 70 लाख और यहाँ है 6 लाख, 70 लाख और 6 लाख कितना होता है, 76 लाख होता है, यानी कि करोड़ के प्लेस पे केवल 5 आना है और लाख के प्लेस पे 76 आना है। पढ़ने के बाद मैंने बताया आपको ये 70 लाख और 6 लाख 76 लाख होता है, ठीक है ना। उसके बाद 10,000 और 7,000 यानी 10 और 7 कितना होता है, 17,000 आ जाएगा, 1000 के प्लेस पे 17 आ रहा है और लास्ट में 593 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है, 593 आ रहा है। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हो आप लोग। चलिए ये मैंने इसका पहले वाले का किया है, ठीक है, ये आप लोग कॉपी में सही से उतार लेना इसको अच्छी तरह से। चलिए बी वाला हम देखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे बी वाले का, वहाँ ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। ये 1000 का प्लेस है, सॉरी ये 1000 का प्लेस है, ये 1000 का है और ये लैक का प्लेस है, यहाँ पर ये 1000 और ये लैक, यानी लैक के प्लेस पे 60 आ रहा है, लैक के प्लेस पे 4 आ रहा है, 60 और 4 मिला के कितना होता है, 64 आता है, तो हम ये लिख देंगे 64 हो जाएगा, कितना लैक हो जाएगा, है ना। और 1000 के प्लेस पे केवल 30 आ रहा है यहाँ पर, तो 30,000 अकेला है, लिख सकते हो इसको। और उसके बाद 100 है और ये 70 है, तो इसको हमें एज इट इज लिख देना है, 170 कैसे लिखते हैं, 170 लिख देना है, समझ गए ना। तो इस तरह से कर लेंगे,
सी वाला। अब जिन लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, ये मेथड उसके लिए है। तो यहाँ पे लिखना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर 10 करोड़ है, तो यहाँ लिखते हैं 10 करोड़ 10, उसके आगे ये लैख वाला प्लस ये 1000 वाला, फिर ये वंस वाला, 10 करोड़ लिख दिया। उसके नीचे ये 1 करोड़ आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो रख के हमको ऐड करना होता है, ठीक है ना। फिर आ रहा है 1000, ये आ रहा है 1000, एंड देन 10, एंड देन 1। जब इसको ऐड करेंगे, ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और ये 0 के नीचे 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1, 2, 3, 0 और आ रहे हैं, 1, 2, 3, 0 और आ रहे हैं, एंड देन इन 0 प्लस 1 1 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, पढ़ के देखते हैं। 11 करोड़, लैख के प्लेस पे कुछ नहीं है, 1011। इसका आंसर हो जाएगा 11 करोड़, ठीक है, लैख के प्लेस पे कुछ नहीं है, 1000 के प्लेस पे ओनली 1000 है ना, और 100 के प्लेस पे नहीं है, और फिर आ जाएगा लास्ट में 11। ये इसका आंसर हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप ऐड करके लिखते हो या ओरल करके लिखते हो, ठीक है ना। बाकी 3 क्वेश्चंस ये होमवर्क में रहेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर्स दे रखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। तो सबसे पहले नंबर पहचानो कहाँ से अलग हो रहा है। यहाँ पर एक सेमी कॉलन, एक बिंदी और एक कॉमा लगा है, बिंदी और कॉमा लगा है, वहाँ से नंबर अलग हो रहा है। तो नंबर यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है। अब हमें देखना है कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले, तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको ये बताता हूँ कि नंबर काउंट कर लो। यहाँ केवल 1, 2, 3, 4 नंबर आ रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर यही होगा। यहाँ 4 आ रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 5 to 7 नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पर आ रहे हैं 5 नंबर, यहाँ पर 6 आ रहे हैं, और यहाँ पर 5 आ रहे हैं। तो चलिए क्या ट्रिक काम करेगी। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, यानी कि 8972, इसका ए वाला कर ले रहा हूँ। आप क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, इन, एक मिनट, इसको लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर ये आ रहा है, सबसे छोटा सबसे पहले, है ना, क्योंकि इसमें 4 डिजिट ही हैं, पढ़ने में भी छोटा लग रहा है, 8972। अब भाई इससे बड़ा कौन सा होगा, तो हम ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा लेंगे। इसके बाद 5 नंबर का कोई देखते हैं, यहाँ तो 4 डिजिट थी, अब 5 डिजिट का नंबर ये भी है और ये भी है। पढ़ने में देखो ये 80,000 आ रहा है और ये 88,000 आ जा रहा है। तो बड़ा कौन सा हुआ, 80,000 या 88,000? वेरी गुड, 80,000 पहले आएगा। तो ये 80,999, इससे बाद कौन सा आएगा, 88,000 वाला आ जाएगा, 88,000 और 978 आ जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा, अब यहाँ पर 6 डिजिट हैं और यहाँ 7 डिजिट हैं, तो 6 वाला पहले आ जाएगा, यानी कि 8,17,576 ये आ जाएगा। और इससे बड़ा कौन सा बचा, लास्ट वाला 11,80,000 और 789, ठीक है ना, ये बचा। तो इसको हम उतार लेंगे कॉपी पे, ठीक है ना, बाकी सारे ऐसे ही होने। चलिए इसका एक पार्ट हम और कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर डी ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर कहाँ से अलग हो रहा है। यहाँ पर डबल काम बिंदी और कामा है, मतलब सेमीकोलन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब छोटा नंबर सबसे पहले, है ना, ये डी वाला लिख लेते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 5 डिजिट हैं और यहाँ पर 4 डिजिट हैं, यानी 4 डिजिट वाला पहले आ जाएगा, 3456 वाला नंबर ये पहले आएगा। कॉमा नहीं लगाना है, हम लगाएंगे ग्रेटर देन।
फिर आएगा 5 डिजिट वाला, यानी कि 44,000 वाला आ जाएगा, और 397 आ जाएगा। फिर इससे बड़ा ये वाला होगा या ये वाला होगा, यहाँ पर 8,79,000 है और यहाँ 35,00,000 है, यानी पर कि यहाँ पर 6 डिजिट हैं और यहाँ पर 7 डिजिट हैं। तो जाहिर सी बात है 6 डिजिट छोटा होता है, 8,769,764 ये लिख लिया हमने। अब इससे बड़ा 35,00,000 वाला आ जाएगा, कौन सा, 35,40,971, और इससे बड़ा ये लास्ट वाला 1,00,00,000 और 079, ये जाके हुआ। तो इस तरह से इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर वाले को। अब अगला क्वेश्चन 6 है, इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटा अरेंज करना है। तो जब छोटे से बड़ा अरेंज कर लिया तो बड़े से छोटा भी हम आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए करते हैं। इसमें से हम सबसे पहले नंबर अलग कर लेंगे, पहला ही करते हैं, ये सेमी कॉलन की जगह पर हम लाइन खींच लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा ये नंबर कहाँ से अलग हो रहा है। तो सबसे लंबा कौन सा दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है ये दिखाई दे रहा है ना। हम कर रहे हैं यहाँ पर ए वाला लिख लेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा ये है, तो 2 के बाद 2 और 2 4 और 099, ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा वाला नंबर क्या होगा, अब देखते हैं। इससे छोटा हमें तो ये लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 डिजिट है यहाँ पे। तो 1,60,74,139। अब इससे छोटा क्या होगा, यहाँ पर हमको ये लग रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक, 74,00,000 है और यहाँ पर केवल 6,00,000 आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 74,86,973। अब इससे छोटा क्या होगा, ये नंबर आ जाएगा 6,40,976 एंड देन इससे छोटा लास्ट में एक ही बचा है ये वाला 27,356। तो इस तरह से आपको नंबर को पहचानना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, समझ गए ना। तो एक पार्ट मैंने किया, इसके 3 पार्ट्स आप लोग होमवर्क में करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। वैसे तो ये पीछे वाला क्वेश्चन जो था हम और भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हैं, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा लंबे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हो, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो इतना काफ़ी है, मेन चीज़ कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप से पूछ सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर तो आपको सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 9897 9897503 50 है, ये 6 नहीं है, 50308 4। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इसको कर, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन डिजिट दे रखी है ये 6 है, 6 नीचे अंडरलाइन है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू का मतलब हमें वो नंबर लिख देना है, 6 लिख दिया हमने, और इसके आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं काउंट कर लो, 1, 2, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसके आगे 30 लग जाएंगे, 1, 2, 3, यानी 6 जो है वो 1000 के प्लेस पर आ रहा है, इसीलिए इसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उस डिजिट की, जो वो डिजिट होती है वो खुद उसकी फेस वैल्यू होती है, यानी कि 6 है इसका फेस, है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 6 दिख रहा है, तो ये 6 हो गया इसके फेस वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे एक और कर लेता हूँ, तो इस क्वेश्चन में भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू मतलब 4 के बाद 2 तो 4 और 3 7 डिजिट हैं, तो 70 आ जाएंगे 4 के बाद, 4 एंड देन 70 2 4 5 6 7, ये तो हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि 4 करोड़ आ गया, और फेस वैल्यू का मतलब होता है वही नंबर, यानी कि 4, समझ गए, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है। तो बाकी ये जो बचे हुए पार्ट्स जो भी हैं इसमें से, वो आप होमवर्क में करोगे। आगे बढ़ते हैं।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू फाइव्स इन द नंबर. ये नंबर दे रखा है यहाँ पर कितना, 75,66,539. तो यहाँ पता क्या करना है, डिफरेंस पता करना है किसका, प्लेस वैल्यू का. टू फाइव्स, दो दो पाँच आए हुए हैं यहाँ पर, उन दो पाँच का, इस पाँच का और इस पाँच का फेस वैल्यू, वो प्लेस वैल्यू निकालने के बाद उनका डिफरेंस करना है. ठीक है, करते हैं. तो यहाँ पर लिख लिया हमने प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट फाइव. पहले वाला जो फाइव है, ये फाइव, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, फाइव के आगे दो और तीन पाँच नंबर हैं, तो पाँच जीरो लगा देंगे फाइव के आगे, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा देंगे. और जो बाद वाला फाइव है, इसके आगे कितना है, केवल दो नंबर हैं, तो फाइव के आगे दो जीरो लगा देंगे. डिफरेंस क्या होगा, मतलब इसमें से इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है. जीरो में से जीरो का जीरो, जीरो में से जीरो का जीरो. अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 किया, बचा 5, और यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, 9 बचा और ये 9 बचा और ये 5 का रह गया यहाँ पर 4. समझ में आ गया, सबट्रैक्ट करना सबको आता ही होगा भाई, या वो भी सिखाना पड़ेगा. हाँ जी, तो इसको इस तरह से हमें कर लेना है. तो यही इसका आंसर होगा करेक्ट. आगे करते हैं. राइट द नंबर नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8-digit नंबर्स हैविंग 8 different digits. कोई 8-digit का नंबर है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट 8-digit नंबर लिखना है और उसकी जो डिजिट्स हैं वो सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है ना, डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए. लिख लेते हैं पहले. तो 8-digit का नंबर जिसकी सारी डिजिट अलग अलग हों, तो सबसे बड़ा 9 होता है, 8, पहले हम लिख लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 8 digit हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 digit हो गए. ठीक है, सारे डिजिट अलग अलग भी हैं, कॉमा लगा लेंगे. तो ये 9,87,65,432 हो जाएगा. ठीक है ना, नंबर नेम भी इसका लिख देता हूँ. तो यहाँ पर नंबर नेम हो गया इसका 9,87,65,432. अब हमें क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर. तो स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको कितना हो जाएगा. आप लिखोगे क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-digit का नंबर है ये, और सारे डिजिट डिफरेंट डिफरेंट हैं. आप लोग तो ये लिख दोगे इसको उठा के, पर ऐसा नहीं करना है भाई, इससे भी छोटा नंबर कोई हो सकता है. सोचो क्या होगा. गुड, जिन्होंने समझ लिया उनके लिए ठीक है. सब सबसे छोटा नंबर होगा वो ये होगा, 10. ठीक है ना, तो इसका नंबर नेम आपको लिखना है. कितना हो जाएगा ये, 1,02,34,567. ये स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर है. क्या है, स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर विद डिफरेंट डिजिट. तो ये वाला आपको खुद करना होगा, समझ रहे हो, ये खुद करना होगा. इतना तो आप कॉपी में कर लेंगे, क्लास वर्क कॉपी में, बाकी ये आप होमवर्क कॉपी में करके दिखाएंगे. ठीक है, लास्ट है. व्हाट क्वेश्चन विल यू गेट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर. यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, 45,000 है और 9 है. यहाँ पे कह रहा है 6 की फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से डिवाइड करना है. तो 6 की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 6 के आगे 2 और 3 5 नंबर हैं, तो 5 जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो आ जाएंगे. इसको डिवाइड करना है किससे, इसके फेस वैल्यू से, यानी कि 6 से ही डिवाइड करना है. ये प्लेस वैल्यू है और ये इसकी फेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, और चाहो तो इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. कैसे, इस तरह से रख के, है ना, तो भी 6 बन जा 6, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर 50 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 50 आप लोग लगा सकते हो. ठीक है, और चाहो तो इसको ऐसे कर लो, 6 बन जा 6 बन जा और 5 जीरो हैं,
तो पाँच जोड़ लगा दो, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो गया आंसर, 1 के आगे 1 2 3 4 5 0, ये इसका आंसर होगा। समझ गए ना? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। I'm not the one who's running away.